YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की झलक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत ATM में सेटलमेंट अकाउंट, एक से ज़्यादा अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे, कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। भारत ATM ऐप में एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड करने के लिए आपको 3 लाइन पर यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। 3 लाइन पर क्लिक करते ही आपको देखिए बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों देखिए मेरा 2 अकाउंट पहले से ही ऐड है, एक और मैं एक अकाउंट ऐड करना चाहता हूँ तो देखिए ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए आपका ऊपर में नेम दिखेगा, बैंक अकाउंट, IFSC कोड, बैंक नेम और यहाँ UPI भी डाल सकते हैं। चलिए फटाफट हम बैंक अकाउंट, IFSC कोड और बैंक नेम डाल देते हैं। उसके बाद लिंक माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं बैंक अकाउंट, IFSC कोड और बैंक नेम को फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों लिंक माय अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते देखिए और बैंक अकाउंट सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। फिर से 3 डॉट पे क्लिक करके बैंक अकाउंट पे जाएंगे और देखते हैं अकाउंट। देखिए दोस्तों यहाँ पर इंडसइंड बैंक लिंक हो चुका है। देखिए सेटलमेंट के लिए इसे ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों सेटलमेंट बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है। इस प्रकार से दोस्तों आप भारत ATM न्यू ऐप में एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, साथ ही हेल्पफुल भी लगा होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।